हेलो स्टूडेंट, आज का ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के सिर्फ उन क्वेश्चंस को ही देखने वाले जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और दूसरी चीज़, अगर किसी भी क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी जाए तो इसको आपको क्लियर भी करना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो हमें करना है सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कपल हैज़ टू चिल्ड्रेन, एक कपल के दो बच्चे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर मेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि दोनों ही के दोनों जो चाइल्ड हैं वो मेल चाइल्ड हैं। इफ़ इट इज़ नोन, अगर ये मालूम है That at least one of the children is male. अगर उनमें से एक जो child है वो male है, तो इसकी क्या probability होगी कि दोनों ही child male हो? Question समझ गए अच्छे से? Second चीज यहाँ पूछा है कि both are female. दोनों के दोनों child female child है. If it is known, अगर ये मालूम है that the elder child is a female. Elder means जो बड़ा child है वो अगर हमें मालूम है कि female है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों ही चाइल्ड फीमेल हो? प्रोबेबिलिटी ऐसा ही है, क्वेश्चन समझ गए आंसर आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हो अच्छे से। अब समझिए, एक क्वाइन है, दो ही पॉसिबिलिटीज रखता है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब वहीं पे अगर हम दो क्वाइन साथ में उछाले, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी? चार। क्लियर? अब उसी तरीके से अगर एक कपल है, उसके चाइल्ड की कितनी पॉसिबिलिटीज है? ऐसे तो तीन बनते हैं, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या ट्रांसजेंडर हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस को हमें इमोशनली नहीं लॉजिकली सॉल्व करना है। गिवन पार्ट क्या है? मेल एंड फीमेल। तो हमें सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आइदर मेल या फिर फीमेल, अदरवाइज रिस्पेक्ट फॉर थर्ड जेंडर ऑल्सो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, अ कपल हैज टू चिल्ड्रेन, बच्चे कितने हैं? दो। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी? टू टू द पावर टू, फोर। कैसे? तो देखिए, सबसे पहला काम सैंपल स्पेस कैलकुलेट कीजिए। वो चार पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होंगी? तो फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकेंड चाइल्ड भी बॉय हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकेंड चाइल्ड गर्ल। थर्ड पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, सेकेंड चाइल्ड बॉय। और फोर्थ पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, सेकेंड चाइल्ड भी गर्ल। ये चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यहाँ पे चार डिफरेंट इवेंट हमें दिख रहा है। अगर हम यहाँ मान ले ए इवेंट बोथ आर मेल, बी इवेंट मान ले एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज मेल, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल, सी इवेंट अगर हम मान ले बोथ आर फीमेल, बोथ आर फीमेल, और डी इवेंट मान ले एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो ये चार इवेंट बना लिए। फाइंड क्या क्या करना है? तो देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल, मीन्स ये हमें फाइंड करना है। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज मेल, ये मालूम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन क्या है? बी। अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट डिपेंड्स ऑन बी। अगर ये चीज है तो ए होने की संभावना क्या होगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। बोथ आर फीमेल, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैलकुलेट करना है। और कंडीशन यहाँ पे ये इवेंट डी बनेगा, तो हमें ये दो चीज निकालनी है। इतना क्लियर? अब ये निकालेंगे कैसे? तो ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम रीड ऐसे भी करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, या ए और कंडीशन है यहाँ पे बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करना है, कंडीशन है डी, या इसको हम ऐसे भी रीड करते सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आफ्टर डी। और ये निकालेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो कंडीशन है, बी है यहाँ कंडीशन,
ये निकलेगा एन सी इंटरसेक्शन डी, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्लैश के बाद जो है वो कंडीशन कहलाता है, तो डी, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डी, इतना क्लियर। नाउ अगर हम ए जो इवेंट है इसकी पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें, बोथ आर मेल, तो सिर्फ यहां पे हमें दिख रहा है कि दोनों ही चाइल्ड मेल है, तो बी कॉमा बी, बॉय बॉय, इतना क्लियर। बी इवेंट है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल, एटलीस्ट वन चाइल्ड मीन्स कम से कम एक मेल हो, तो यहां पे दोनों मेल है तो ये भी पॉसिबिलिटीज रखता है, यहां पे एक मेल है तो बी जी, यहां पे भी एक मेल है तो जी बी, ये नहीं आएगा क्योंकि यहां दोनों ही गर्ल चाइल्ड है मीन्स फीमेल है, तो ये यहां इंक्लूड नहीं होगा। सी इवेंट है बोथ आर फीमेल, तो सिर्फ एक ही जगह आपको दिख रहा है ऐसा, तो यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज आया। एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, एल्डर कौन होगा जो पहले पैदा हुआ, तो वो फीमेल होनी चाहिए, तो देखिए एक यहां पे और दूसरा यहां दिख रहा है, फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, तो इन दोनों ही केस में एल्डर चाइल्ड इज गर्ल होगा या फीमेल होगा। अब देखिए, अब ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन है बी, तो ये हमारा कैसे निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों इवेंट में जो कॉमन है पॉसिबिलिटीज, इसको आपको देखना है, तो बी भी यहां दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटीज है जो दोनों ही इवेंट में कॉमन है, तो यहाँ आ गया वन अपॉन एन बी, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है बी की, वन टू थ्री, तो ये आंसर बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कंडीशन है डी या सी आफ्टर डी भी इसको रीड कर सकते हैं, तो एन सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ है जी जी, यहाँ है जी जी, ये एक चीज कॉमन है, एन डी वन टू, तो ये आंसर बन गया, क्लियर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड इफ द क्वाइन शोज हेड इट इज टॉस्ड अगेन, बट इफ इट शोज अ टेल देन अ डाई इज टॉस्ड। अगर एक क्वाइन को टॉस किया जाए और अगर उस पर हेड आता है तो उसके बाद उस क्वाइन को एक और बार टॉस कीजिए, अगर उस क्वाइन पे टेल आता है तो उसके बाद एक डाई को थ्रो कीजिए, तो सबसे पहली चीज अगर हम इतने का सैंपल स्पेस निकालें तो क्या बनेगा, तो देखिए तो सैंपल स्पेस यहाँ पे बनेगा, जो क्वाइन हम टॉस कर रहे हैं उस पर अगर हेड आ रहा है तो उसके बाद हमें उस क्वाइन को एक और बार टॉस करना है, तो उस पर फिर से अगेन हेड या टेल आ सकता है, तो फर्स्ट क्वाइन पे तो हेड आ ही रहा है, सेकेंड बार में हेड आ सकता है, फर्स्ट क्वाइन पे हेड आएगा तभी तो एक और बार क्वाइन टॉस करेंगे ना, तो दूसरे पे टेल आ सकता है, इतने इतना क्लियर। नाउ अगर पहला बार जो क्वाइन टॉस हो रहा है उस पर टेल आ जाए, मीन्स फर्स्ट क्वाइन जो टॉस कर रहे हैं उस पर टेल, तो उसके बाद हमें एक डाई थ्रो करना है, तो डाई पे कौन कौन से नंबर होते हैं, तो वन से लेके सिक्स, तो टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव एंड टी सिक्स, तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, यही हमारा सैंपल स्पेस होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इतना क्लियर। इफ एट पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इन्हीं एट आउटकम्स के बारे में बात कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, तो यहां पे एक इवेंट हमें दिख रहा है तो इसको हम मान लेते ए, तो डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इफ इट इज नोन दैट मीन्स कंडीशन अब यहां पे आ रहा है, द फर्स्ट थ्रो ऑफ द क्वाइन रिजल्ट इन अ टेल, जो फर्स्ट थ्रो किए हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उस क्वाइन पे टेल आ रहा है, तो बी इवेंट मान लेते हैं, फर्स्ट थ्रो ऑफ अ क्वाइन रिजल्ट इन टेल, इतना क्लियर। तो अब इन दोनों इवेंट की पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए, तो डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, तो डाई पे चार से ज्यादा का नंबर अपियर होना चाहिए, तो एक यहां दिख रहा है एक यहां दिख रहा है, तो इनको लिख लीजिए, तो टी फाइव टी सिक्स, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं।
डी जो इवेंट है फर्स्ट थ्रो ऑफ अ क्वाइन रिजल्ट इन अ टेल, जो फर्स्ट थ्रो हम किए हैं क्वाइन का उस पर टेल आया है। तो देखिए ये 6 पे हमारा टेल आया फर्स्ट जो हम क्वाइन थ्रो कर रहे हैं उस पर, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज यहां बनेंगी। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, इतना क्लियर। अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पे फाइंड लिखा है ना इस पे, तो ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये क्या बन जाएगा कंडीशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, या ए और कंडीशन है बी। ये हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और कंडीशन यहाँ पे बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन पॉसिबिलिटीज है उसके टोटल नंबर कितने हैं, तो देखिए T5, T6, T6, तो दो पॉसिबिलिटीज कॉमन है, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 2 अपॉन एन बी। एन बी काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी की टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 6, यानी कि 1 अपॉन 3। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स इफ द कार्ड इज नॉट बीइंग रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एक प्लेइंग सूट में 52 कार्ड्स है, तो मेरे हाथ में सपोज 52 कार्ड्स है। अब आप जो है एक एक करके दो कार्ड यहां से निकालेंगे, एक एक करके कंसेक्यूटिवली, मतलब एक एक करके, तो एक के बाद एक आपको दो कार्ड निकालना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो फर्स्ट कार्ड आप निकाले वो भी डायमंड है और जो सेकेंड कार्ड निकाले वो भी डायमंड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहां पे हम दो इवेंट बना सकते ए एंड बी। तो सबसे पहला काम ये बना है, ए इवेंट इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट कार्ड जो आप निकाल रहे हैं, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज डायमंड। और अगर हम बी इवेंट मान ले जो सेकेंड कार्ड निकाल रहे हैं ये भी डायमंड होना चाहिए, तो सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज ऑल्सो डायमंड। इतना क्लियर। नाउ एक एक करके निकालना है और दोनों ही इवेंट परफॉर्म होने चाहिए, मीन्स हमें निकालना किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन मीन्स एंड, क्योंकि दोनों ही इवेंट परफॉर्म करने हैं ना, एक एक करके दोनों ही कार्ड निकालने हैं। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले क्या आपने परफॉर्म किया, फर्स्ट कार्ड निकाला, मीन्स आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और एंड के केस में हमेशा लॉजिक होता है मल्टीप्लीकेशन का, ये चीज दिमाग में रखिएगा, एंड है तो यहां आएगा मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद बी, तो बी किसके बाद परफॉर्म होगा, पहले ए परफॉर्म हुआ देन बी परफॉर्म होगा ना, पहले पहला कार्ड आप निकालेंगे तब तो दूसरा कार्ड निकालेंगे ना, कि पहले दूसरा ही कार्ड निकाल लेंगे, ये क्लियर। तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच परफॉर्म आफ्टर ए, मीन्स हमें ये चीज कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, पी ए ये क्या होगा, हाथ में मेरे 52 पत्ते हैं, एक आपको कार्ड निकालना है वो कार्ड डायमंड होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डायमंड कितने होते हैं 13, टोटल कितने होते हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये क्या आ जाएगा 13 अपॉन 52, ये क्लियर। अब एक जो पत्ता आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, ये जो आपने निकाला है ये आपको रिप्लेस नहीं करना है, मीन्स अब मेरे हाथ में कितने पत्ते हुए 51, और ये एक कार्ड अलग कर दीजिए। अब इस 51 में से एक और कार्ड आप निकालिए, तो अब वो भी कार्ड जो है डायमंड का होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हाथ में मेरे कितने कार्ड है 51, डायमंड कितने हैं यहाँ 12, क्योंकि एक तो साइड में रखा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो भी डायमंड है, 12 अपॉन 51, इतना क्लियर। यही आंसर हो जाएगा 13, 4 जा 52, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 3 जा 12, और 3 से 51 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 17, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है,
बैग कंटेन्स 5 white 7 red and 3 black balls। एक बैग है जिसमें 5 white 7 red and 3 black balls हैं। इफ 3 balls are drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 बॉल निकालना है एक एक करके बिना रिप्लेस किए हुए, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये 3 बॉल निकालिए एक एक करके, और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो एक बॉल हम निकाल रहे हैं फिर से उसको बैग में नहीं रखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों ही बॉल जो है रेड कलर के नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम, 3 इवेंट बना लीजिए। तो सपोज ए बी सी, ये 3 इवेंट बना लिए। ए इवेंट, जो फर्स्ट बॉल आप निकाल रहे हैं, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। बी इवेंट हम मान लेते हैं, जो सेकेंड बॉल आप निकालेंगे वो भी जो है रेड कलर का नहीं होना चाहिए। सी इवेंट हम मान लेते हैं, जो थर्ड बॉल है वो आप निकाल रहे हैं ये भी रेड कलर का नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर? तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये तीनों ही इवेंट परफॉर्म होने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले ए इवेंट परफॉर्म होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड है तो इनटू, अब बी होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी किसके बाद परफॉर्म होगा, ए के बाद, तो बी आफ्टर ए इनटू, अब सी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और सी किसके बाद परफॉर्म होगा, ए एंड बी के बाद। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो रेड कलर का नहीं होना चाहिए एक बॉल जो हम निकाल रहे हैं। तो अदर देन रेड कितने बॉल हैं, 5 plus 3 8 balls हैं जो अदर देन रेड कलर के हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इन 8 में से कोई सा बॉल निकल सकता है। तो इवेंट के प्लेस पे 8 और सैंपल स्पेस 5 plus 7 12 plus 3 15 बॉल है बैग में, इन 15 में से कोई भी एक निकल सकता है। तो सैंपल स्पेस के प्लेस पे 15, तो पी ए ये क्या आ गया, 8 upon 15। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, अब एक बॉल ये जो अदर कलर का है ये साइड में है, तो बैग में कितने बॉल बचे, टोटल 15 थे, एक साइड कर दीजिए तो 14, और ये जो एक बॉल है ये भी अदर देन रेड था जो कि 8 था, अब कितने बचे, 7। इन 7 में से कोई सा भी एक बॉल निकल सकता है जो अदर देन रेड कलर का है, और टोटल बॉल बैग में 14 बचे, तो इसकी वैल्यू आ गई 7 upon 14। नाउ अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब बैग में अदर देन रेड कितने बॉल बचे, अब एक और बॉल आपने बाहर निकाल लिया जो अदर देन रेड कलर का है, तो अब बैग में 6 अदर देन रेड कलर के बॉल होंगे और टोटल बॉल कितने हुए, 13, क्योंकि 2 बॉल आपके साइड में बैग में नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 upon 13, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ 7 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 3 टाइम्स में कैंसिल, 3 5 15 और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 8 upon 13 5 65 ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। क्लियर? 5th क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाता है, एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 8। दोनों ही बार थ्रो करने पे जो नंबर अपियर हो रहे हैं डाइस पे उनका सम 8 है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम जो 2 बार हम थ्रो कर रहे हैं, जो भी नंबर अपियर हो रहा है उनमें से कम एक बार 5 अपियर हो, कम से कम 2 बार भी हो सकता है, ठीक है, एक बार तो होने चाहिए या 2 बार 5 हो। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम, 2 इवेंट मान लीजिए ए एंड बी। ए इवेंट अगर हम मान ले कि जो सम है वो 8 है, सम इज 8, और बी इवेंट अगर हम मान ले 5 इज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 अपियर होने चाहिए। तो देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपियर्ड एट लीस्ट वंस, मींस ये पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, और कंडीशन क्या है, ए, तो बी आफ्टर ए, ये चीजें हमें निकालनी है। और ये निकालेंगे कैसे, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशन ए है, तो एन ए ये नीचे आएगा,
इतना क्लियर। अब ये चीजें निकालने के लिए इनकी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ए इवेंट की पॉसिबिलिटीज देखें तो ये क्या क्या बनेगा। तो सम जो है वो 8 कब कब होगा, तो देखिए फर्स्ट बार जो हम थ्रो किए हैं उस पर अगर 1 आता है तो सेकेंड टाइम में 7 तो नहीं आएगा, ठीक है, 7 होता ही नहीं है, तो ये तो अलग कर दीजिए। नाउ सेकेंड, अगर फर्स्ट बार जो हम थ्रो कर रहे हैं उस पर अपियर हुआ 2, तो दूसरी बार में 6 आना चाहिए, तो 2 प्लस 6 8। फर्स्ट टाइम में 3 आ गया तो दूसरे टाइम में 5 आना चाहिए, फर्स्ट टाइम में 4 आ गया तो दूसरे टाइम में 4 आना चाहिए, फर्स्ट टाइम में 5 आ गया तो दूसरे टाइम में 3 आना चाहिए, फर्स्ट टाइम में 6 आ गया तो दूसरे टाइम में 2 आना चाहिए, फर्स्ट टाइम में 7 हो ही नहीं सकता है, अलग कीजिए। तो इतनी ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। बी, 5 इज अपियर्ड एटलीस्ट वंस, ये कब कब हो सकता है, जब हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, दोबारा नहीं इंक्लूड कीजिएगा, 5 6, ठीक है। इतने केसेस में कम से कम 1 5 तो है ही, या 1 से ज्यादा 2 5 भी है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज बन गई। इतना क्लियर। नाउ ये चीजें निकालनी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, ये क्या बनेगा, ये चीज एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके प्लेस पे आ जाएगा क्या, दोनों में कॉमन पॉसिबिलिटीज। तो देखिए 3 5 3 5 5 3 5 3, और कोई कॉमन नहीं है, तो कितने कॉमन है, 2 अपॉन NA, 1 2 3 4 5। आंसर क्वेश्चन अच्छे से समझिए, आंसर तो आ ही जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी जो है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन 15। प्रोबेबिलिटी जो है ए नॉट एंड बी की, ये दी हुई है 2 अपॉन 15, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट, ये दिया हुआ है 1 अपॉन 6। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ ये किया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको मान लिया जाए एक्स एंड वाई। इतना क्लियर। हम जानते हैं अगर ए एंड बी जो है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना क्लियर। नाउ यहां पे ए नॉट भी दिया हुआ है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स माने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ये बन जाएगा 1 माइनस वाई। इतना क्लियर। और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1 माइनस एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई, ये दिया हुआ है 2 अपॉन 15, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर। यहां से पी ए, पी ए के प्लेस पे एक्स आ जाएगा, इंटू पी बी नॉट ये आ जाएगा 1 माइनस वाई, और ये दिया हुआ है 1 अपॉन 6, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। पी बी हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे वाई कैलकुलेट करने के लिए एक काम ये किया जा सकता है कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है फ्रॉम 2, एक्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 6, और ये पार्ट नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर। और इसको जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में एंड पुट इन 1। तो यहां से 1 माइनस एक्स के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दीजिए, इंटू वाई इक्वल टू 2 अपॉन 15, ये बन जाएगा। यहां पे ये एलसीएम आ गया, 6 इंटू 1 माइनस वाई, 6 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1, ये बन जाएगा 6 माइनस 6 वाई, देन यहां से -1 इंटू वाई इक्वल टू 2 अपॉन 15, 3 2 6 3 5 15, 6 माइनस 1 5 इंटू वाई, 5 वाई इंटू 5 25 वाई,
माइनस सिक्स वाई इंटू वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इंटू फाइव माइनस थर्टी वाई स्क्वायर टू इंटू टू फोर, लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस फोर, माइनस टू वाई इंटू टू माइनस फोर वाई, लेफ्ट साइड में ले आइए तो प्लस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन बन गया। इसे हम लिख सकते हैं माइनस थर्टी वाई स्क्वायर ट्वेंटी फाइव वाई प्लस फोर वाई ट्वेंटी नाइन वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, थर्टी वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी नाइन वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी, यहाँ है माइनस ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी फोर फाइव का होता है वन ट्वेंटी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कीजिए, थर्टी वाई स्क्वायर इस माइनस ट्वेंटी नाइन वाई को लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी फोर वाई माइनस फाइव वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों टर्म से सिक्स वाई कॉमन ले लीजिए, फाइव वाई माइनस फोर, इन दोनों टर्म से माइनस वन कॉमन तो फाइव वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब इन दो टर्म से फाइव वाई माइनस फोर कॉमन, यहाँ से मिल गया सिक्स वाई, यहाँ से माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा फोर अपॉन फाइव और यहाँ से मिल जाएगा वन अपॉन सिक्स, और यही जो है हमें कैलकुलेट करना था इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेवेंथ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर वन अपॉन टू एंड वन अपॉन थ्री। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए एंड बी की ये दी हुई है वन अपॉन टू एंड वन अपॉन थ्री। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों लगे हुए हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, और ए और बी किस टाइप का इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, तो भैया एक ने भी सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व कहलाएगा, या फिर दोनों ही सॉल्व कर ले तो भी प्रॉब्लम सॉल्व कहलाएगा। तो जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो यहाँ बनेगी, या तो ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले बी ना कर पाए, ये क्लियर, और तो प्लस ए ना कर पाए और बी ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, और भैया दोनों सॉल्व कर ले, क्लियर, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी। तो ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए देखिए पी ए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ए द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है वन अपॉन टू, तो ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन माइनस वन अपॉन टू दैट इज वन अपॉन टू, और बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वन अपॉन थ्री, तो इसके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन माइनस वन अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री, इतना क्लियर। अब ये कैलकुलेट करना है, और ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए बी नॉट ये कैसे निकलेगा, पी ए तो वन अपॉन टू इंटू पी बी नॉट तो टू अपॉन थ्री, और ए नॉट तो पी ए नॉट वन अपॉन टू, बी तो पी बी वन अपॉन थ्री, और तो प्लस पी ए इंटू पी बी तो वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन थ्री, तो ये यहां से मिल गया टू अपॉन सिक्स वन अपॉन सिक्स वन अपॉन सिक्स, टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर अपॉन सिक्स आ जाएगा ये, और टू से कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया टू अपॉन थ्री, ये आंसर बन गया, क्लियर। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, अब एक ही ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया एग्जैक्टली, तो देखिए अब एक ने सॉल्व कर पाया इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, ए सॉल्व कर ले तो बी ना कर पाए, और तो प्लस ए ना कर पाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व बी कर ले, यही दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो यहां से ये मिल जाएगा पी ए तो वन अपॉन टू इंटू पी बी नॉट टू अपॉन थ्री, प्लस पी ए नॉट तो वन अपॉन टू इंटू पी बी वन अपॉन थ्री, ये आ गया टू अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स थ्री अपॉन सिक्स, यानी कि वन अपॉन टू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन हिट अ टारगेट फोर टाइम्स इन फाइव शॉट, ए जो है फाइव में से फोर टाइम्स टारगेट को प्रॉपर हिट करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट द टारगेट ये क्या बन जाएगा, फोर अपॉन फाइव, बी थ्री टाइम्स इन फोर शॉट्स,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट्स द टारगेट ये क्या हो जाएगा 3/4 एंड सी 2 times in 3 shot तो सी का टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/3। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी ऑल में हिट। उससे पहले देखें ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट द टारगेट ये है 4/5 तो नॉट हिट द टारगेट ये क्या बन जाएगा नेगेटिव प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस कर दीजिए 1/5 पी बी नॉट ये मिल जाएगा 1 minus 3/4 1/4 पी सी नॉट 1 minus 2/3 1/3। इतना क्लियर। पहला क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी ऑल में हिट तीनों हिट कर दें तो ये कब कब होगा। देखिए ए भी हिट कर दिया बी भी हिट कर दिया सी भी हिट कर दिया तो एक सिंगल केस ही बनेगा जब तीनों ही हिट कर पाएंगे। तो ये कैसे निकलेगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी मीन्स 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3 तो ये आ जाएगा 4 into 3 12 इंटू 2 24 अपॉन 20 into 3 60। 4 से कैंसिल कर दीजिए या 6 से भी कैंसिल हो जाएगा 6 4 जा 24 6 10 जा 60। अब ये अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 ये आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है बी सी में हिट एंड ए में नॉट। बी और सी हिट कर दे ए न कर पाए तो ए नहीं कर पाया बी और सी हिट कर दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो पी ए नॉट 1/5 इंटू पी बी 3/4 इंटू पी सी 2/3 तो ये आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल कर दीजिए 2 times में 3 से ये 3 कैंसिल 1/10 ये आंसर बन गया। एनी टू ऑफ देम विल हिट कोई भी दो हिट कर दे तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी या तो ए बी हिट कर दे सी ना कर पाए तो दो ने हिट कर दिया ए और सी कर दे बी ना कर पाए या फिर ए ना कर पाए और बी और सी हिट कर दे तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनेगी जहां पे दो लोग टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो यहां पे ए बी सी नॉट ये निकलेगा 4/5 इंटू पी बी 3/4 इंटू पी सी नॉट 1/3 यहां से ये मिल जाएगा पी ए 4/5 इंटू पी बी नॉट 1/4 इंटू पी सी 2/3 प्लस पी ए नॉट 1/5 इंटू पी बी 3/4 इंटू पी सी 2/3 तो ये आ गया। देखिए नीचे 5 4 3 5 4 3 5 4 3 तीनों में है तो यहां से 12 + 8 20 + 6 26 अपॉन 5 4 जा 20 3 जा 60 2 से कैंसिल कर दीजिए तो यहां आ गया 13 और यहां आ जाएगा 30 तो 13/30 ये आंसर बन जाएगा। नन विल हिट तीनों में से कोई नन हिट कर पाए तो ए भी नहीं कर पाया बी भी नहीं कर पाया और सी भी नहीं कर पाया तो पी ए नॉट 1/5 इंटू पी बी नॉट 1/4 इंटू पी सी नॉट 1/3 ये आ गया 1/60। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन्स 4 red and 7 black balls एक अर्न है अर्न मीन्स कंटेनर सॉर्ट ऑफ जिसमें 4 red and 7 black balls है। 2 balls are drawn at random with replacement. एक एक करके हमें 2 balls निकालना है क्योंकि with replacement लिखा है और जो एक बॉल हम निकाल रहे हैं उसको फिर से इस अर्न में रख देना है और उसके बाद फिर एक और बॉल निकालना है। ठीक है तो विथ रिप्लेसमेंट कहने का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन बन गया। क्यों इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ क्योंकि जो एक बॉल आप निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी और फिर ये बॉल को हमने अर्न में ही रखा और फिर से एक बॉल निकाल रहे हैं तो जो दोबारा हम बॉल निकाल रहे हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पहले वाले पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उतने के उतने ही हैं इंडिविजुअल कलर्स की बॉल वो भी उतने के उतने ही हैं तो डिपेंडेंसी अलग तो इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक आप दिमाग में ये भी रख सकते हैं विथ रिप्लेसमेंट है मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है ये क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो जो 2 balls निकाल रहे हैं 2 red balls हो 2 black balls हो 1 red and 1 black balls हो। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है 2 red balls तो फर्स्ट बॉल भी रेड
और सेकेंड बॉल भी रेड, ये होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो आप रेड बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 4 और टोटल बॉल्स कितने हैं 11। तो फर्स्ट टाइम जो एक बॉल आप निकालोगे वो रेड कलर का हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 4/11। अब ये जो एक बॉल है फिर से इसको हम इसी में रख दिए तो रेड अभी भी 4 है और टोटल अभी भी 11 है। फिर अगेन एक बॉल अगर हम निकाल रहे हैं और वो रेड कलर का हो तो अगेन प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 4/11, तो ये आ गया 16/121, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? PR × PR। सेकेंड, टू ब्लैक बॉल्स, तो फर्स्ट बॉल ब्लैक सेकेंड बॉल ब्लैक। अब फर्स्ट बॉल ब्लैक निकले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/11, और फिर जो ये बॉल निकाले इसको फिर से इसी में रख देना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में कोई चेंजेस नहीं आया, ब्लैक बॉल्स के काउंटिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगेन जो एक बॉल निकालेंगे वो ब्लैक कलर का हो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 7/11, 49/121। वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल, एक रेड और दूसरा ब्लैक होना चाहिए। अब कौन सा रेड हो पहला या दूसरा ये कंडीशन नहीं दिया है। तो देखिए यहां जो पॉसिबिलिटीज बन रही है, फर्स्ट बॉल रेड तो सेकेंड ब्लैक हो जाए, या फिर फर्स्ट बॉल ब्लैक और सेकेंड में रेड हो जाए, तो ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट बॉल रेड कलर का हो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/11, और सेकेंड बॉल ब्लैक कलर की हो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/11, और तो प्लस फर्स्ट बॉल ब्लैक कलर तो 7/11, और सेकेंड बॉल रेड कलर तो 4/11। तो ये आ गया 28 + 28, 56/121, ये आंसर बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर 3/7 एंड 5/7 रिस्पेक्टिवली। ए के स्कूल में समय से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 3/7, बी के स्कूल में सही समय से पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 5/7, ये दिया हुआ है। अज्यूमिंग द इवेंट ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम इज कमिंग स्कूल इन टाइम। तो दोनों में से एक ही जो है सही समय पे पहुंच रहा है स्कूल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए एक ही सही समय पे पहुंच रहा है, तो मान लेते ए सही समय पे पहुंच रहा है तो बी नहीं पहुंचेगा, या फिर तो और मीन्स प्लस ए नहीं पहुंचे सही समय पे बी पहुंच जाए, यही दो पॉसिबिलिटीज बनेगा। ए जो है सही समय पे पहुंच रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3/7, तो ना पहुंचे सही समय पे तो 1 - 3/7 4/7, बी सही समय पे ना पहुंचे इसकी प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगा 1 - 5/7 2/7, इतना क्लियर। कैलकुलेट हमें ये करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, तो पी ए 3/7 इंटू पी बी नॉट 2/7, और तो प्लस पी ए नॉट 4/7 इंटू पी बी 5/7, नीचे 7 × 7 दोनों में है तो 6 + 20 26/7 × 7 49। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस। ए जो है 60% केस में ट्रुथ बोलता है, सच बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 60/100 मीन 6/10, एंड बी 90% ऑफ द केसेस, और बी जो है 90% केस में सच बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि सच बोलने की 90/100 बन जाएगा मीन्स 9/10। इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एक सेम फैक्ट पे दोनों ही अपने कमेंट दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, मान लीजिए एक सिनेरियो हम लेते हैं कि इसने पढ़ाई किया है अगर हम बोल रहे हैं, तो दूसरा बोलते हैं इसने पढ़ाई नहीं किया है, तो हम दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है। या अगर हम बोलते कि इसने पढ़ाई नहीं किया है तो वो बोल रहा है कि नहीं इसने पढ़ाई किया है, तो भी हम दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं,
तो यहाँ पे सेम फैक्ट पे दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? तो देखिए, या तो ए जो है सच बोल रहा है तो बी जो है झूठ बोलना चाहिए, तभी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा सेम फैक्ट पे। या फिर और तो प्लस, ए जो है झूठ बोल रहा है बी सच बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट तभी करेगा ना जब कोई दोनों में से एक ही सच बोल रहा हो और एक झूठ बोल रहा है, तभी सेम फैक्ट पे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ एक दूसरे का। ए जो है सच बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है बी सच बोल रहा है, यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज बन रहा है कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, तो ये हमें फाइंड करनी है। ए सच बोले इसकी प्रोबेबिलिटी 6/10, तो ना बोले तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 6/10 4/10। बी सच ना बोले मीन्स झूठ बोल दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 9/10 मीन्स 1/10। इतना क्लियर? तो पी ए ये है 6/10 इंटू पी बी नॉट 1/10, और तो प्लस पी ए नॉट 4/10 इंटू पी बी 9/10। दोनों ही टर्म में नीचे 10 × 10 है, तो नीचे तो 100 आ जाएगा, 6 + 36 42। अब व्हाट परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए मीन्स 42%। सेकेंड है एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, सेम फैक्ट पे दोनों एग्री हो जाए। अब एग्री कब होंगे तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में ए सच बोल रहा है तो बी भी सच बोल रहा है मीन्स दोनों एक दूसरे से एग्री हैं, ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट क्या हो गया सेम हो जाएगा। या फिर ए झूठ बोल रहा है तो बी भी झूठ बोल दे तो भी जो है सेम फैक्ट पे दोनों एग्री होंगे, तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही है जहां पे एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट हो। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए 6/10, पी बी 9/10, और तो प्लस पी ए नॉट 4/10 इंटू पी बी नॉट 1/10। ये बन गया नीचे 100, और यहां से आ गया 6 × 9 54 + 4 58। परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 मीन्स 58% ये आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी थ्रो द पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली। ए और बी जो है पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं एक एक करके, ऑल्टरनेटली मीन्स एक एक करके। ए विंस द गेम इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7। ए अगर जो है पेयर ऑफ डाइस पे जो नंबर अपियर हो रहे हैं उनका सम 7 ले आए तो ए गेम जीत जाएगा। एंड बी विंस द गेम इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 10। और बी जो है अगर दोनों ही डाइस पे जो नंबर अपियर हो रहे हैं उनका सम अगर 10 लेके आ जाए तो बी गेम जीत जाएगा। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, गेम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। इतना क्लियर? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, तो बी जो है गेम को जीत जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए ए 7 लेके आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो 7 वो कब कब लेके आ सकता है, पे ऑफ डाइस वो थ्रो कर रहा है तो फर्स्ट डाइस पे अगर उसका 1 आ रहा है तो सेकेंड डाइस पे 6 आना चाहिए, तो 1 + 6 = 7। फर्स्ट पे 2 आ रहा है तो सेकेंड पे 5, फर्स्ट पे 3 आ रहा है तो सेकेंड पे 4, फर्स्ट पे 4 आ रहा है तो सेकेंड पे 3, फर्स्ट पे 5 आ रहा है तो सेकेंड पे 2, फर्स्ट पे 6 आ रहा है तो सेकेंड पे 1, 7 आ नहीं सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 6/36 1/6। तो 7 ना लेके आ पाए इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो 1 - 1/6 5/6। इतना क्लियर? बी जो है सम 10 लेके आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 10 कब कब आ सकता है, फर्स्ट डाइस पे अगर 4 आ रहा है तो सेकेंड पे 6 आ जाए, फर्स्ट पे 5 आ रहा है तो सेकेंड पे 5, फर्स्ट पे 6 आ रहा है तो सेकेंड पे 4, 7 आ नहीं सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 3/36 मीन्स 1/12। तो ना लेके आ पाए तो 1 - 1/12 11/12। ए जो है गेम स्टार्ट कर रहा है, बी गेम जीतना चाहिए, तो ये कब हो सकता है। तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज हमें निकालनी होगी। तो ए स्टार्ट किया, ए जो है सम 7 लेके ना आ पाए तब तो बी का टर्न आएगा ना, ये 7 लेके आ गया तो गेम खत्म। अब बी का टर्न आया, बी जो है हो सकता है कि गेम जीत जाए, तो यहां पे बी जीत रहा है। और कब कब बी जीत सकता है,
तो फर्स्ट चांस ए का जो आया वो 7 ना लेके आ पाए, बी 10 लेके ना आ पाए, फिर ए का टर्न आया, ए भी जो है सम 7 ना लेके आ पाए, देन बी जो है सम 10 ले आए, तो बी जीत जीत बी जीत जीत गया। और स्टार्ट ए कर रहा है, ए जो है सम 7 नहीं ला पाया, बी जो है सम 10 नहीं ला पाया, फिर ए का टर्न, ए सम जो है 7 नहीं लेके आ पाया, बी जो है सम 10 लेके नहीं आ पाया, देन फिर ए का टर्न आया, ए सम 7 नहीं लेके आ पाया और बी जो है सम 10 लेके आ जाए, तो भी बी जीत जाएगा। और इसी तरीके से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनेगी, सेकेंड टर्न पे बी जीत सकता है, फोर्थ टर्न पे बी जीत सकता है, गेम के सिक्स टर्न पे भी बी जीत सकता है, एट्थ टर्न पे भी बी जीत सकता है, टेंथ टर्न पे भी बी जीत सकता है, इस तरीके से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो अब ये कैलकुलेट करना है, तो देखिए पी ए नॉट 5/6 इंटू पी बी 1/12, पी ए नॉट 5/6, पी बी नॉट 11/12, पी ए नॉट 5/6, पी बी 1/12, पी ए नॉट 5/6, पी बी नॉट 11/12, पी ए नॉट 5/6, पी बी नॉट 11/12, पी ए नॉट 5/6, पी बी 1/12। अप टू इनफाइनाइट, इतना क्लियर। अब इन सब में 5/6 इंटू 1/12 ये सब में है, कॉमन ले लीजिए, 5/6 इंटू 1/12 ये अगर हम कॉमन ले ले तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 5/6 इंटू 11/12, यहां पे आ जाएगा 5/6 इंटू 11/12 इंटू 5/6 इंटू 11/12, और ये दो तो बाहर आ गए हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना क्लियर। अब एक चीज समझे, यहां अगर हम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें तो 5/6 इंटू 11/12 आएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करें तो ये और ये कैंसिल, तो भी 5/6 इंटू 11/12 आ गया। मीन्स ये जो है एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज ये होता है ए अपॉन 1-r, इसका यूज कर लीजिए। तो ये तो बाहर था 5/72, यहां से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इसका यूज कीजिए, ए ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो 1/1 माइनस आर मीन्स कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 5/6 इंटू 11/12, तो 55/72 ये बन गया 5/72, और यहां से मिल गया 1/72 - 55, तो 72 - 55 ये आ गया 17/72, तो 1/17/72 इसको हम लिख सकते हैं 72/17, इतना क्लियर। 72 कैंसिल, 5/17 ये आंसर आ गया, क्लियर। अब इसी तरीके से अब इसमें क्वेश्चन अगर हम ये कह दें कि ए गेम जीत जाए, तो अब इसको अब आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ये 11th क्वेश्चन जैसा ही है, तो अब ये एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ कह रहा है ए एंड बी टॉस अ कॉइन अल्टरनेटली, अगेन एक एक करके कॉइन टॉस कर रहा है ए और बी, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ हेड एंड विंस द गेम, जिसका भी हेड पहले आ जाए वो गेम जीत जाएगा और वहां पे गेम खत्म हो जाएगा। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, गेम स्टार्ट कौन कर रहा है, ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस द गेम, तो बी के गेम जीत जाने की प्रोबेबिलिटी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ए जो है एक कॉइन के साथ हेड लेके आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो ना लेके आ पाए इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, बी जो है हेड ला सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ना लेके आ पाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1-1/2, 1/2 ही होगा, तो ये क्लियर। अब बी को जिताना है, ए गेम स्टार्ट कर रहा है, तो अगेन पॉसिबिलिटी सेम बनेगी, पहले ए का टर्न, ए जो है हेड ना लेके आ पाए, देन बी हेड ले आए, गेम खत्म,
और ए ना ला पाए, बी ना ला पाए, देन फिर ए का टर्न, ए भी ना ला पाए, बी जीत जाए हेड ले आके। सेम ए ना ला पाए, बी ना ला पाए, ए ना ला पाए, बी ना ला पाए, ए भी नहीं लेके आ पाया और फिर बी लेके आ गया। सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ इन एन टर्न पे बी जीत सकता है हेड लाके, इसी तरीके से एट्थ टेंथ। तो अब इसको आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 1/3, यहाँ भी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जी पी, इसका यूज कीजिए a/(1-r)। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में नहीं आया है, प्रीवियस क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आया है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बैग कंटेन्स 4 येलो एंड 5 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 4 येलो एंड 5 रेड बॉल्स है। अनदर बैग कंटेन्स 6 येलो एंड 3 रेड बॉल्स। एक और बैग है जिसमें 6 येलो एंड 3 रेड बॉल्स है। इसको हम मान लेते हैं बैग 1, इसको हम मान लेते हैं बैग 2। बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। एक बॉल यहां से बैग 2 में ट्रांसफर किया जाता है, कौन से कलर का ये नहीं दिया हुआ है, और ट्रांसफर करने के बाद एक बॉल सेकेंड बैग में से निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज येलो। तो ये जो दूसरे बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं वो येलो कलर का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए यहां पे हम 3 इवेंट बना सकते हैं, सपोज इवन इवेंट। तो इवन इवेंट एक मान लेते हैं, हम येलो कलर का बॉल जो है बैग 1 में से बैग 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो येलो बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक रेड बॉल हम यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको आप मान लेते हैं E2, रेड बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। और एक इवेंट हम मान लेते हैं कि जो सेकेंड बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं वो येलो कलर का हो, तो मान लेते हैं ए इवेंट, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज ऑफ येलो कलर। इतना क्लियर? नाउ तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले अगर हम मान लें कि एक येलो बॉल हम बैग 1 में से बैग 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये इवेंट हमने माना है E1, तो ये परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इतना क्लियर कि एक येलो बॉल हम यहां ट्रांसफर कर दे और फिर एक बॉल जो निकाले वो येलो कलर का हो सेकेंड बैग में से, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और कंडीशन है यहां कि एक येलो बॉल यहां ट्रांसफर हुआ है, तो स्लैश इवन, ए हम परफॉर्म करेंगे आफ्टर इवन, परफॉर्म करने के बाद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवन, तो ये कंडीशन होगा। यहां इनटू क्यों आया, क्योंकि ये और ये दोनों ही परफॉर्म करने एंड कंडीशन है, एंड के केस में इनटू, एक पॉसिबिलिटीज तो ये बनी, देन और के केस में प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस। इतना क्लियर? ये भी तो हो सकता है ना कि हम एक रेड बॉल यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और उसके बाद जो है हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करें, मींस एक बॉल रेड बॉल ट्रांसफर करने के बाद सेकेंड बैग में से एक बॉल जो निकाल रहे हैं वो येलो कलर का हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफॉर्म्ड आफ्टर E2। अब इस पूरे का मतलब समझिए, या तो हम ये कर सकते हैं कि एक येलो बॉल यहां से यहां ट्रांसफर किए और फिर सेकेंड बैग में से एक बॉल निकाले वो येलो कलर का हो, और प्लस एक रेड बॉल हम यहां से यहां ट्रांसफर किए और फिर सेकेंड बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं वो येलो कलर का हो। तो आई होप ये चीजें क्लियर हों। अब सिंपली इसको फाइंड कर लेना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, एक येलो बॉल हम बैग 1 से बैग 2 में ट्रांसफर कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भैया कितने येलो है, 4, इन 4 में से कोई सा भी एक बॉल हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, टोटल बॉल 9 है, ये 9 में से कोई सा भी ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ये आ गया 4/9। अब ये जैसे ही परफॉर्म हुआ तो यहाँ पे येलो 7 हो गए और रेड
थ्री है, इतना क्लियर। अब इस सेकेंड बैग में से एक बॉल निकाल ले वो येलो कलर का हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10, ये क्लियर। 7 येलो है और टोटल 10 है। देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, एक रेड बॉल हम यहां से यहां ट्रांसफर कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/टोटल 9। और देन अब यहां पे अगर एक रेड बॉल आ गया तो कंडीशन क्या बन रहा है, 6 येलो 4 रेड। अब यहां से एक बॉल निकालना है वो येलो कलर का हो, तो 6/10। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, 28 + 30 58/90, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 29/45 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 white and 2 black balls। एक बैग है जिसमें 3 white and 2 black balls हैं, एंड अनदर बैग कंटेन्स 2 white and 4 black balls। एक और बैग है जिसमें 2 white and 4 black balls है। वन बैग इज चूजन एट रैंडम, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, अब जो भी बैग आपने सेलेक्ट किया है, वन बॉल इज ड्रॉन, उसमें से एक बॉल निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। अब वो जो बैग आपने सेलेक्ट किया उसमें से जो एक बॉल निकाल रहे वो व्हाइट कलर का निकल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए अगर इसको मान लिया जाए बैग वन, इसको मान लिया जाए बैग टू, कौन सा बैग सेलेक्ट कर रहे हैं ये दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम इवेंट बना सकते हैं, इवन इवेंट। मान लिया आपने बैग वन सेलेक्ट किया, बैग वन इज चूजन, ये भी तो हो सकता है कि आप सेकेंड बैग चूज करो, तो ई टू इवेंट, बैग टू इज चूजन, इतना क्लियर। अब जो भी बैग आपने चूज किया है उसमें से एक बॉल निकालना है वो व्हाइट कलर का हो, ए इवेंट अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द चूजन बैग इज ऑफ व्हाइट कलर, तो ये चीज हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। मान लिया जाए कि आपने बैग वन सेलेक्ट किया, वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। और बैग वन सेलेक्ट करने के बाद एक बॉल निकाला जो कि व्हाइट कलर का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये सेलेक्ट करने के बाद आफ्टर E1। और ये भी तो हो सकता है कि आपने सेकेंड बैग सेलेक्ट किया और देन एक बॉल निकाला वो व्हाइट कलर का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E2, ये हमें कैलकुलेट करना है। दो बैग है, बैग वन सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अब बैग वन आपने सेलेक्ट किया तो उसमें से व्हाइट कलर की बॉल निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। बैग टू सेलेक्ट करें आप दो बैग में से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और सेकेंड बैग सेलेक्ट किया उसमें से एक बॉल निकाला वो व्हाइट कलर का हो, तो 2/6, इतना क्लियर। तो ये यहां से मिल गया 3/10, 2/12। नाउ 10 और 12 का एलसीएम 60, तो यहां आ गया 6 3 18, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 28/60। अब ये दोनों ही टर्म 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 और ये 15, तो 7/15, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर 25% 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। एक बोल्ट फैक्ट्री है जहां पे तीन मशीन है, मशीन ए बी एंड सी। अब वो जो फैक्ट्री है जितनी भी टोटल बोल्ट्स बनाती है उस टोटल बोल्ट्स का 25% बोल्ट मशीन ए पे बन रहा है, 35% बोल्ट मशीन बी पे बन रहा है एंड 40% बोल्ट मशीन सी पे बन रहा है, इतना क्लियर। ऑफ द आउटपुट 5, 4 and 2% रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट। अब जितने भी मशीन ए बी सी पे टोटल बोल्ट्स बन रहे हैं उसमें से 5, 4 and 2% रिस्पेक्टिवली बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव निकल रहा है। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट से एक बोल्ट अगर हम निकाल रहे हैं, इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो अगर डिफेक्टिव निकल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी।
तो वो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी पे मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्लियरली दिख रहा है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम कुछ इवेंट बना लेते हैं, E1, E2, E3 इवेंट। वो जो एक बोल्ट हम चूज कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं वो मशीन ए पे बना हो, वो एक बोल्ट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो मशीन बी पे बना हो सकता है, वो एक बोल्ट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो मशीन सी पे बना हो सकता है। तो अ बोल्ट ड्रॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। ई टू इवेंट हम मान ले रहे हैं, बोल्ट ड्रॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। E3 इवेंट हम मान ले रहे हैं, अ बोल्ट इज ड्रॉन मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। इतना क्लियर। और एक इवेंट और मान ले रहे हैं ए, कि वो बोल्ट डिफेक्टिव भी है, अ बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे सबसे पहले ओवरऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही है इसको समझिए। तो वो एक बोल्ट हो सकता है मैन्युफैक्चर्ड और मशीन ए हो, और इसकी प्रोबेबिलिटी 25% दी हुई है। और ये जो इवेंट है ये इवन इवेंट है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कहने मतलब वो एक बोल्ट मशीन ए पे बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी। और फिर वो बोल्ट डिफेक्टिव होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवन। इतना क्लियर। और हो सकता है वो मशीन बी पे बना हो और डिफेक्टिव हो, तो ए आफ्टर ई टू। और हो सकता है वो ई थ्री सी मशीन पे बना हो और वो डिफेक्टिव हो, तो ए आफ्टर ई थ्री। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटीज कहलाई, लेकिन हमें निकालना है कि वो मशीन बी पे ही बना हो। तो इवेंट पे ये आ जाएगा पी ई टू पी ए आफ्टर ई टू, और यही हमारा कहलाता है बेस थ्योरम। क्लियर, देखिए तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कहने मतलब अ बोल्ट ड्रॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो कितने परसेंट बोल्ट मशीन बी पे बन रहे थे, 35%। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा 35/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई टू, और वो बोल्ट डिफेक्टिव निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही कह रहा है, और दैट परफॉर्म्स आफ्टर ई टू। तो बी पे जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है इसमें कितने परसेंट डिफेक्टिव हो रहा है, 4%, तो into 4/100। पी ई वन ये आ जाएगा 25/100 into पी ए आफ्टर ई वन 5/100 प्लस पी ई टू 35/100 पी ए आफ्टर ई टू 4/100 पी ई थ्री अ बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन मशीन सी 40/100 पी ए आफ्टर ई थ्री 2/100। इतना क्लियर। तो ये बन जाएगा, देखिए यहां भी नीचे 100 into 100 है, और यहां भी जब हम एलसीएम लेंगे तो 100 into 100 होगा, तो ये और ये कैंसिल, तो यहां से आ गया 35 into 4 140, और यहां से ये मिल जाएगा 25 into 5 125 प्लस 35 into 4 140 प्लस 40 into 2 80। तो ये आ गया 140/5, 8+4 12+2 14, 2+1 3, तो 140/345। नाउ ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 10 440, 5 8 40, और नीचे आ जाएगा 5 6 30 445, 5 9 45, तो 28/69 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी हैज टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर। एक कंपनी के पास दो प्लांट है स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। प्लांट वन मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द स्कूटर एंड प्लांट टू मैन्युफैक्चर 30%। 70% स्कूटर जो है मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है प्लांट वन पे, जबकि 30% स्कूटर जो है प्लांट टू पे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। एट प्लांट वन 80% ऑफ द स्कूटर आर रेटेड एज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एट प्लांट टू 90% ऑफ द स्कूटर्स आर रेटेड एज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी।
अब प्लांट वन प्लांट टू पे जितने भी स्कूटर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनमें से प्लांट वन पे 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी का है और प्लांट टू पे 90% स्कूटर जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। स्कूटर चूजन एट रैंडम, अब एक रैंडमली एक स्कूटर चूज किया जा रहा है एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम प्लांट टू, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो प्लांट टू का स्कूटर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो इवेंट बनाइए, लेट ई वन ई टू। मान लिया जाए कि प्लांट वन इज चूजन, प्लांट वन इज चूजन, ई टू इवेंट प्लांट टू इज चूजन और फिर जो एक स्कूटर आ रहा है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तो एक और इवेंट बनाइए, ए स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ये कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ओवरऑल पॉसिबिलिटीज क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो हो सकता है प्लांट वन पे गए और वहां से वो स्कूटर लिया गया तो पी ई वन और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट परफॉर्म्स आफ्टर ई वन, और हो सकता है प्लांट टू चूज किया गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इन टू एंड देन वो स्कूटर जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकले तो ए आफ्टर ई टू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इट हैज कम फ्रॉम प्लांट टू, वो प्लांट टू का स्कूटर हो तो इवेंट हमारा ये बन जाएगा पी ई टू इंटू पी ए आफ्टर ई टू, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ई टू में कितने मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं 30% स्कूटर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू 30/100 इंटू और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकले तो 90% स्कूटर जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है 90/100, पी ई वन 70/100 और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो 80/100 और तो प्लस पी ई टू, तो पी ई टू इंटू पी ए आफ्टर ई टू यही आ जाएगा 30/100 इंटू 90/100 अगेन 100/100 ऊपर भी है और यहाँ नीचे में भी जो है अगर एलसीएम ले तो 100/100 आएगा नीचे, ये और ये कैंसिल तो ये आ गया यहाँ से 30/90 और यहाँ से मिल गया 70/80 प्लस 30/90। अब हर टर्म से ये जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यहाँ से 3/9 27, यहाँ से आ गया 7/8 56, 3/9 27, तो ये बन जाएगा 27/56 + 27 तो 63 + 20 83, तो 27/83 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। एक इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस देती है किनको, 2000 स्कूटर ड्राइवर 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर कार ड्राइवर एंड अ ट्रक ड्राइवर आर 0.01 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। अब स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट का, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट का और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.01 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अब जो इंश्योरेंस दी गई है जिनको उनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो वो इंश्योर्ड पर्सन एक स्कूटर ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले लेट तीन इवेंट बना लीजिए, ई वन ई टू ई थ्री। इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर, ई टू इवेंट इंश्योर्ड पर्सन इज अ कार ड्राइवर, ई थ्री इवेंट इंश्योर्ड पर्सन इज अ ट्रक ड्राइवर। इतना क्लियर, एक इवेंट और बनेगा, ई मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ये बनेगा, देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो स्कूटर ड्राइवर हो तो पी ई वन और उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो
पी ए आफ्टर इवन, हो सकता है वो कार ड्राइवर हो और उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो ए आफ्टर ई टू, हो सकता है वो ट्रक ड्राइवर हो और उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो पी ए आफ्टर ई थ्री। बट क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, तो ये पार्ट इवेंट ऊपर आ जाएगा। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पी ई वन वो स्कूटर ड्राइवर हो तो स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, और टोटल कितने हैं जिनका इंश्योरेंस हुआ है 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 12000। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2000 अपॉन 12000, और उनका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर का, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.01, तो 1/100। ये और ये सेम है तो यहाँ नीचे पहले यही आ जाएगा 2000 अपॉन 12000 इंटू 1/100 प्लस PE2 तो कार ड्राइवर, तो 4000 अपॉन 12000 इंटू, और उनका एक्सीडेंट हुआ हो तो 3/100। PE3 ट्रक ड्राइवर 6000 अपॉन 12000, और उनका एक्सीडेंट हुआ हो तो 0.15 15/100। नाउ अब यहाँ भी ऊपर जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये 12000 इंटू 100 है, और यहाँ भी जब हम एलसीएम लेंगे नीचे तो 12000 इंटू 100 आ जाएगा, वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये मिल जाएगा 2000 इंटू 1 2000 अपॉन 2000 इंटू 1 2000 प्लस 4000 इंटू 3 12000 प्लस 6000 इंटू 15 90000, 2000 अपॉन 90000 प्लस 14000 1,04,000, तो 1,04,000। 000 से ये 000 कैंसिल, 2/104 1/52 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा।